गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल के स्किन केयर सेक्शन में लेके आई हूँ टोमेटो फेशियल। ये पूरी तरह से नेचुरल फेशियल है। जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करने वाली हूँ इसमें, वो सभी आपके किचन में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और आप चाहते हैं कि आपका स्किन बहुत लाइट करे, ब्राइट करे एंड ग्लो करे, देन दिस फेशियल इज़ द बेस्ट। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर द वुमेन, इट्स ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर द मैन। जो लोग भी बाहर जाते हैं काम करने के लिए, स्किन टैन बहुत हो जाता है, सन बर्न हो जाता है, उनके लिए ये तो बहुत बहुत ही अच्छा फेशियल है। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करूँगी उसकी प्रॉपर्टी और सभी चीज़ मैं आपको बताती जाऊँगी। तो इस फेशियल को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ द क्लेंजिंग, सेकेंड स्क्रबिंग एंड थर्ड इज द मसाजिंग एंड फेस पैक। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। एंड उससे पहले जो भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल बटन को उसे ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ, जो भी नए टॉपिक पे वीडियो डालूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं एंड व्यूवर्स हैं, उन्हें ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक इट। यहाँ मैं ली हूँ 2 टमाटर। इसमें लाइकोपेन पाया जाता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, विच हेल्प टू रिड्यूस ओपन पोर्स एंड ब्लैक हेड्स जो हमारे स्किन पे होते हैं। तो यहाँ मैं एक जो टमाटर है उसको 3 स्लाइस में कट कर लूँगी और ये जो दूसरा टमाटर है इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो मैं इसे मिक्सी ग्राइंडर में डाल रही हूँ पीसने के लिए। ये देखिए मेरा पेस्ट रेडी है। यहाँ हम सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे और बालों को अच्छे से बांध लेंगे और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी फर्स्ट स्टेज जो कि है क्लींजिंग। उसके लिए मैं यहाँ ली हूँ रॉ मिल्क। यहाँ मैं कॉटन का एक पैड ली हूँ, उसकी मदद से मैं पूरे फेस पे स्प्रेड करूँगी इस मिल्क को। रॉ मिल्क इज रिच इन विटामिन बी, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, कैल्शियम एंड अदर एंटीऑक्सीडेंट्स, विच हैज़ सो मेनी स्किन बेनिफिट्स। एंड ये हमारे स्किन को नरिश करता है बहुत अच्छे से, अंदर से डीप से हमारे स्किन के जो सेल्स हैं उसको क्लीन करता है। तो ये क्लींजिंग के लिए सदियों से यूज़ कर रहे हैं हम। बाद मैं एक और कॉटन पैड ले रही हूँ और इसकी मदद से मैं पूरा जो स्किन पे लगाई हूँ रॉ मिल्क उसे पोंछ दूंगी। ये देखिए मैं वॉश की थी अपना फेस, फिर भी कितना डर्ट निकला है। तो अब चलते हैं फेशियल के सेकेंड स्टेज पे। उसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे राइस फ्लावर। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक तरह से ये टोनर का काम करता है हमारे स्किन पे, और एज अ स्क्रबर ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन से ब्लैक एंड वाइट हेड्स हटाता है और साथ ही हमारे स्किन पे जो सन बर्न हुआ होता है और टैनिंग हुआ होता है उसको भी ये बहुत अच्छे से हटाता है। इसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टोमेटो पल्प। टोमेटो का प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ। इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है और एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर। शुगर में ग्लाइकोलिक एसिड होता है जो कि हमारे स्किन में बहुत अच्छे से पेनेट्रेट होता है और हमारे स्किन को बहुत फ्रेश बनाता है, और ये हेल्प करता है ट्रीट करने के लिए सन डैमेज और एजिंग स्किन को। तो ये एक तरह से एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होता है इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, थोड़े देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि जो भी इसमें शुगर है अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। तो अब मैं इसको अपने स्किन पे अच्छे से हैंड की मदद से लगाऊंगी और थोड़ा मसाज करूंगी।
लिप्स एंड आईज के एरिया को भी बिल्कुल आप मत छोड़िए, उस पर भी अच्छे से लगाइए। सिर्फ रब करते टाइम में आप थोड़ा आराम से उस पर रब कीजिए, थोड़ा हल्के हाथों से रब कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के मत कीजिए, बट दोनों जगह लगाइए क्योंकि वो लिक्विड है, वो लिक्विड वहाँ पर भी इफेक्ट देगा। मैं इसको लगाने के बाद 5 से 10 मिनट तक छोड़ दूंगी। दस मिनट हो गया है तो मैं अभी स्टीम ले रही हूँ, और स्टीम लेते टाइम में आप ध्यान दीजिए नोज़ के पास और जहाँ जहाँ आपके ब्लैक हेड्स थोड़ा आते हैं या वाइट हेड्स आते हैं वहाँ पे थोड़ा स्टीम ज़्यादा अच्छे से दीजिए। मैं स्टीमर की मदद से दे रही हूँ, आपके पास अगर स्टीमर नहीं है तो आप नॉर्मल जो पानी गर्म कीजिए एक बर्तन में और थोड़े देर के लिए स्टीम ले लीजिए। उससे क्या होगा, हमारे जो भी पोर्स है वो ओपन हो जाएंगे और फिर हम लोग जब उस पर मसाज करेंगे, स्क्रबिंग करेंगे, तो जो भी जर्म्स हैं हमारे पोर्स के अंदर वो बाहर निकल जाएंगे बहुत अच्छे से। तो अभी हमारा थोड़ा देर हो गया है स्टीम लेते हुए, और अब मैं जो टमाटर का स्लाइस है उसकी मदद से पूरे स्किन को रब करूंगी। बहुत जेंटली आपको रब करना है, बहुत जोर से नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा स्क्रबिंग मिक्स जो है उसको टमाटर स्लाइस पे रखते जाइए और उसकी मदद से अच्छे से स्क्रबिंग कीजिए। कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर कीजिए इसको। इसे आप अपने नेक के बैक साइड वाले पार्ट पे भी जरूर कीजिए क्योंकि वहां पे भी बहुत ज्यादा डार्क रहता है हमारा स्किन। टोमेटो के स्लाइस से की हूँ और अब और 5 मिनट मैं अपने हैंड से अच्छे से मसाज की तरह बिल्कुल इसको स्क्रबिंग को कर रही हूँ। लिप्स पे भी आप थोड़ा मसाज कर दीजिए इसको अच्छे से, थोड़ा ब्लैकिश रहता है हमारे लिप्स पे तो वो भी आपका धीरे धीरे चला जाएगा। फेशियल तो इतना फ्रीक्वेंटली हर रोज नहीं कर सकते हैं, बट ये स्क्रबिंग अगर आप सिर्फ करते हैं हर रोज तो भी आपको इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। सिर्फ आप इसमें रॉ मिल्क ऐड कर दीजिए। अब ये हमारा 10 मिनट बिल्कुल हो गया है स्क्रबिंग। अब मैं जो बचा हुआ स्क्रबर है उसको अपने हैंड पे कर रही हूँ मसाज, और हैंड से थोड़ा एल्बो तक आप कर लीजिए ताकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हमारा डार्क स्किन होता है और बहुत ज़्यादा हमारा सनबर्न होता है, तो उस एरिया में भी आप अच्छे से कर दीजिए। तो अब हम किसी कॉटन के मदद से या फिर कोई एक टवेल है या हैंकरचीफ है जो कि बिल्कुल क्लीन है उसको पानी में डिप कर दीजिए और उसकी मदद से इसे पूरा क्लीन कर दीजिए। मैं यहाँ हैंकरचीफ की मदद से कर रही हूँ। देखिए बस इतना ही प्रोसेस करने से मेरा स्किन कितना ग्लो कर रहा है। तो अब चलते हैं इसके थर्ड प्रोसेस पे जो कि है मसाज। इसके लिए मैं यहाँ ली हूँ कर्ड। इसमें लैक्टिक एसिड होता है और अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड होता है जो कि हमारे डेड स्किन को हटाता है और हेल्प करता है हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए।
इसके बाद मैं यहाँ ली हूँ बेसन जो कि टैन रिमूवल एजेंट है, और मैं यहाँ ली हूँ हल्दी थोड़ा सा जिसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है जो कि बैक्टीरिया को स्प्रेड होने से बचाता है। साथ ही मैं थोड़ा सा ली हूँ लेमन जूस जिसमें कि विटामिन सी होता है, साइट्रिक एसिड होता है जो कि हमारी स्किन को ब्राइटनिंग और लाइटनिंग के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा टोमेटो पल्प ऐड की हूँ और इसको एक मिक्स बना रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा रॉ मिल्क और इसका हम अच्छे से पेस्ट बना देंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे थर्ड प्रोसेस। तो इस पेस्ट को भी हम अपने हैंड की मदद से अपने फेस पे स्प्रेड करेंगे मसाज करते हुए, और हमें इसे 10 मिनट्स तक मसाज करना है। सभी एरिया में कीजिए, आईज पे, लिप्स पे, नेक पे, नेक के बैक साइड में। मैं यहाँ 10 मिनट तक मसाज कर ली हूँ और अब जो भी हमारा फेस एरिया है उस पर हम थोड़ा मोटा करके वो पेस्ट लगा दे रहे हैं ताकि वो अच्छे से फेस पैक की तरह यूज़ हो। पूरा एरिया में लगाइए आप, लिप्स को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव होता है लिप्स एरिया पे भी। और लगा करके हमें इसे 20 मिनट्स तक के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। ध्यान रखें कि आप फैन के नीचे बिल्कुल मत बैठिए, बिल्कुल नेचुरली उसे ड्राई होने दीजिए। 20 मिनट्स हमारा हो गया है और अब मैं अपने हाथ पे थोड़ा पानी स्प्रेड कर रही हूँ और इसकी मदद से धीरे धीरे बिल्कुल जेंटली हमको रब करते हुए पूरा पैक को हटाना है। 5 मिनट तक आप ऐसे ही इसको रब कीजिए, उसके बाद आप टवेल या हैंकरचीफ की मदद से आराम से इसको हटा दीजिए। देखिए मेरा फेस कितना क्लीन हो गया है फेशियल करने के बाद। तो ये था टोमेटो फेशियल आज का स्किन केयर। ऐसे ही मैं बहुत सारा वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगी स्किन केयर से रिलेटेड मेरे स्किन केयर सेक्शन में। तब तक के लिए आप आराम से फेशियल कीजिए और एंजॉय कीजिए। बाय।